हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। मैं हूँ आशीष। आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना मसल गेन करना है, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन। आपको मसल गेन करने के लिए तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, और क्योंकि प्रोटीन हमारे ब्रेक मसल को रिकवर करता है। जो आप जिम करते हो, जो आपके जिम करते वक्त जो मसल ब्रेक होते हैं, तो प्रोटीन्स को रिकवर करता है और मसल गेन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, आपको पता चल गया प्रोटीन लेना ज़रूरी है, लेकिन अब प्रोटीन कहाँ से लें, क्योंकि सप्लीमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा प्राइस के आते हैं। तो आज मैं आपको 5 प्रोटीन सोर्स बताऊँगा कि जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में, और बहुत चीप रेट में आपके घर में भी मिल जाएगा, बहुत सस्ता, जो भी अपना नेचुरल तरीके से प्रोटीन लेना चाहता है। तो उसके लिए मैं 5 ऐसे प्रोटीन सोर्स लेकर आया हूँ जिससे आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बस प्रोटीन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। जो 5वें नंबर पे है प्रोटीन, वह है सोया बीन, या सोया चंक्स भी बोल सकते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 50 ग्राम सोयाबीन या चंक्स लोगे तो उसमें कम से कम आपको 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हो तो ये आपका 1 kg सोयाबीन आपको 210 रुपये का पड़ेगा। ये ऑनलाइन बताया मैंने, लेकिन आप लोकल किराने स्टोर पे या घर के नीचे आसपास जो होते हैं, अपने घर में ही मम्मी को बोल दीजिए 1 kg सोयाबीन लिया है, तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स की। तो नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स है राजमा। ये राजमा सबके घर में मिल जाता है। अगर आप सिर्फ 100 ग्राम राजमा भी लेते हो तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उसमें, और अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हो तो 50 ग्राम आपको सिर्फ 24 रुपये में मिल रहा है। अगर आप लोकल स्टोर से भी लोगे, ऑफलाइन लोगे, तो आपको बहुत सस्ते मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। राजमा प्रोटीन सोर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब जो नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कॉमनली सबको पता है, वो है एग। अगर आप एक एग खाते हो तो उसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है बॉइल्ड एग में। लेकिन अगर आप सिर्फ वाइट खाते हो, एग का सिर्फ वाइट वाला एरिया खाते हो, जो पीले वाला वो होता है निकाल के सिर्फ वाइट वाला खाते हो, तो उसमें सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन रहता है। अगर आप 5 बॉयल एग खाते हो तो उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर आप पीला वाला डाल के खाते हो, तो अगर आप योग को हटा के सिर्फ वाइट वाला खाते हो, तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आपको जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, आप उसके हिसाब से आप एग ले सकते हो। जैसे कि मैंने बता दिया, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है और वाइट वाले में सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है एग का, वो 5-6 रुपये चल रहा है। आपके एरिया में पता नहीं कितना चल रहा है, लेकिन मेरे एरिया में 5-6 रुपये चल रहा है। इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो 5-6 रुपये में आपको सिर्फ 4-6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, बहुत सस्ता। हो सके तो आप इस प्रोटीन सोर्स का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाए, क्योंकि बहुत सस्ता है ये प्रोटीन सोर्स। अगला जो प्रोटीन सोर्स है वो है व्हे प्रोटीन। हाँ, ये एक सप्लीमेंट है, लेकिन ये भी एक व्हे प्रोटीन है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि वे प्रोटीन लेने का एक अलग ही फायदा है, क्योंकि एक स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, इजी टू कैरी होता है, उसे आप कहीं भी ले जा सकते हो और बहुत जल्दी इसको आप कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि बाकी सब जो प्रोटीन सोर्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक स्कूप भी लोगे आपको उसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो आज के टाइम पर जो प्रोटीन जो आ रहे हैं, सप्लीमेंट जितने भी आ रहे हैं वे प्रोटीन, वो 1100-1200 रुपये का 1 kg आ रहा है। अगर आप उसकी 1 kg भी लेते हो, कम से कम वो 30 दिन तो चल जाएगा, 30 सर्विस होती है इसमें, 30 दिन ही तो 20 दिन तो चल जाएगा। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। सो दोस्तों, फाइनली जो लास्ट प्रोटीन सोर्स है वो है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट में कम से कम 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हो तो उसमें आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और सारे प्रोटीन सोर्स में से सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है। अभी मार्केट में जो चिकन के रेट चल रहे हैं, मेरी तरफ मेरी एरिया में 200 रुपये kg चल रहा है चिकन। तो अगर आप डेली का 100 ग्राम भी चिकन लेते हो, खाते हो बॉईल करके, या जो जैसे भी आपको पसंद है। सो दोस्तों, ये 5 लिस्ट थी प्रोटीन सोर्स की, जो कि सबके घर में मिल सकता है, बहुत इजी टू परचेज होता है। जितने भी मैंने प्रोटीन बताए, जितने भी रेट बताए, वो 25-30 रुपये का ही होगा 24 ग्राम प्रोटीन जो आपको मिल रहा है। आने वाले वीडियो में मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा आपको डेली प्रोटीन कितना लेना चाहिए, आपकी डेली की मेंटेनेंस प्रोटीन कितना होना चाहिए, जो आपको पता चल जाए कि आपको मसल गेन करना है तो आपको कितना प्रोटीन पूरे दिन में लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, चैनल बनाया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली काफ़ी वीडियो है जो मैं जिम पे, डाइटिंग पे, सप्लीमेंट पे भी वीडियो लाऊंगा।